कितना आम खाएगा तू? ये पहला मतलब दो दो है दो मतलब एक का मतलब पहले दो नहीं 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 ये पहले छह आम खाते नहीं नहीं पहले दो है नहीं नहीं चल झूठे मैंगो बाइट कितनी खाई है मतलब वाली चॉकलेट हाँ हाँ मैंगो बाइट तीन कल से जब से आए हो जब से आया हूँ जब से आया हूँ किसमें खा रहा है ना बस मुझे लेकिन किसमें भी ज्यादा नहीं और आइसक्रीम आइसक्रीम दो एक गाइस अस्सलाम वालेकुम नमस्कार कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे और आज है यहाँ पे डे टू सेकेंड डे लोनावला ट्रिप का और अभी बज रहा है 5 तो आप समझ लीजिए कि आज का ब्लॉग मैं 5 बजे से शुरू कर रहा हूँ मुझे नहीं पता कि क्या बनाऊंगा और रात में क्या अपलोड कर पाऊंगा आज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा लेकिन मुझे नहीं पता बट कोई नहीं क्योंकि आज सुबह उठते साथ ही मैं इतना ज़्यादा लेजी मूड में था कि मैं उठ के फिर सो गया अभी उठाऊँ रेडी हुआ हूँ चलिए कुछ ना कुछ तो निकालते हैं चलिए फोटो खींच रहे थे खुद की सेल्फी ये देखो बैठे बैठे यहाँ पे सेल्फी ले रहे कहाँ सब अपने तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो एडिट कर रहे हो दीपिका है हो ये देखो मेरे जूते कल से ही पड़े हुए हैं हाँ जी क्या कर रहे हो बैठे बैठे सब कहाँ है चलो उठाते हैं सबको थोड़ा आराम करें अभी आप जस्ट नहा के आयो अपने टाइम के हिसाब से तो सबको मत परेशान करो 5 बज गया आराम करने का वक्त है कोई नहीं 5:30 तक सब बाहर आ जाएंगे 5:15 है ठीक है ये शोएब की आदत है पता है आप लोगों को पता नहीं है अपने हिसाब से टाइम हमेशा 15-20 मिनट आगे पीछे बढ़ा के बताते हैं थोड़ा सा ना मैं सबको डरा देता हूँ अरे इतना हो गया 10-15 मिनट ऊपर नीचे होता है तो जल्दी वरना सब लेजी वाले हैं पता है ये घर में सब लेजी वाले भाग मतलब ऐसे होता है हाँ अभी तो है ना 15 मिनट 5 बजने में तो इसलिए करना पड़ता है कि नहीं आप लोग भी आई एम श्योर करते होंगे कभी कभी किसी को डराना हुआ तो देखो इसका अरे वाह सही है पहली बार चले मुझे दूसरा वाला था इस मेरा वाला जो इसको मिला था पहली बार हां पिक वाला था ना तेरा पीच हां पीच ये देख सकते हैं आप इन अम्मी का भी फोटो सेशन चालू हो गया है इन सब के साथ में आप भी शुरू फोटो फौरन बदल के अपने जगह से अभी तो अम्मा भी नहीं सूट के आ रही है फोटो के लिए हाँ मतलब घबरा गई कहाँ चले गए जल्दी से मैं भी आ रही हूँ फोटो खिंचवाने सभी तीनों के लिए लो ना एक आओ दादो फोटो खिंचवाओगी जाओ खिंचवाओ अरे कारीगरों का मस्त कुर्ता पजामा पहन के आ गए वाइट पहले कितना घूमते थे पहन के और फिर उसके बाद हम सब बैठे चाय के लिए शाम के नाश्ते के लिए एंड देन सब इस मूड में थे कि मैं कुछ शूट नहीं कर पाया और उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया तो कल फिर मैं उसके बाद कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि कल कोई भी जोन में नहीं था कि हम कुछ बैठ के करें अभी आज देखो ये सब पूल में है ऑलरेडी बैठ जाओ खाली पैर डाल के आ जाओ थोड़ी देर में जाएंगे कल नहा लिया Oh,
अम्मा कैसे खुश हो? अब कैंग कब कर रहे हैं मुझे मारने के लिए? इन्हें तो आज नहाया नहीं, हमने नहा लिया है। मैं आज बहुत हैप्पी, मैं आज बहुत हैप्पी, किसी का फोन पानी नहीं के, मैं आज बहुत हैप्पी, मैं बहुत हैप्पी हूँ। आप क्या बोलते हो? अल्लाह सबको देता है। कोई मुझे बड़ा बोलता है, तुम ध्यान नहीं रखती, तुम अपने फोन नहीं संभालती। अब बोलो। अरे मैं मुझे बॉल मार दी, मैं बोलो, पानी में फोन पोल के अंदर गिरा दिया। गुड करना पड़ेगा। अच्छा है, अच्छा है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी ना। अभी फिट होना है ना, है ना? बहुत फालतू चीज तुमने पाव बेसन समोसा सब खा लिया ना, अब हेल्दी चीजें खाओगी क्यों? इसके बाद एक प्लेट सैलेड निकाल के रखो इसके लिए। चलो रेडी, रात को चाइनीज है। हाँ, लेकिन चाइनीज से पहले भी एक प्लेट सैलेड तो खाना पड़ेगा, है ना? सबसे ज्यादा पड़ी है नाजा खाला को और अम्मी को। हाँ, सबसे ज्यादा बॉल पड़ी है नाजा खाला को और अम्मी को। पापा बेटी खाला का तो सौ सुना का एक लोहार का हो गया वाली बात हो गई। बेटी खाला ने एक बॉल मुझे मारी और मेरा फोन सीधे पानी में, सीधे फोन पानी में गिर गया मोबाइल। नहीं मुझे नहीं पड़ा था, सबसे ज्यादा पड़ी है रेहान को मारा। सबसे ज्यादा नाजा खाला, बेटी खाला, अम्मी और अम्मी को तो कभी कभी ऐसा पड़ा है मार रहा हूँ तुम्हें तो दिमाग से लगती है अम्मी को पड़ी है। नहीं नहीं चल रहा है ना, सबको मारा, सबको बदला निकाल दिया, सबको बॉल धमाधम धमाधम मारे आसान। वो अकेले था, क्रिकेट खेलता है ना तो बॉल फेंकने का तरीका पता है, ऐसे फेंकता है ना, बाउंस करता है बॉल और फिर हमको लगता है वो फेंकने का स्टाइल ही बहुत। हम लोग धीरे धीरे कैच देते हैं, कैच दे देते हैं, ले लो। चाय पी लिया आपने? होमवर्क हो गया? चाहिए कैसे चाहिए आप बताओ, आप बताओ कैसे चाहिए? लंबे लंबे। पापा बोल रहे हैं कि बाल कटवाओ, पीछे के बाल तुम्हारे अच्छे नहीं रहेंगे, बड़े बाल क्यों नहीं अच्छे बताओ, कैसे चाहते हो आप बताओ, वैसे मैं करवा लूँगा। स्ट्रेट करवाऊँ? स्ट्रेट में जानकर नहीं करवा रहा हूँ, बड़े अजीब लगते हैं थोड़े से, वो घूमे घूमे होना चाहिए। नहीं तो पापा तो कह रहे हैं कटवा लो। कटवा लूँ? हाँ कटवा लो। नहीं पापा अभी बढ़ाने हैं।
ये मैंने नहीं बोला, ये पापा खुद बोल रहे हैं। पापा इतने अच्छे लगते हैं बाल, क्या बात कर रहे हो? नहीं सामने के अच्छे लगते हैं लेकिन पीछे के नहीं। पीछे के नहीं, तो पीछे मैं छोटी कर लूंगा, छोटी बांध लूंगा। छोटी वाले नहीं है ये साइड के। अरे देखो अभी ऐसे करके ये हाँ। देखो अभी अभी इतनी छोटी बनने लगी है, अभी और बढ़ जाएगी। क्या बोलते हो? बोल दो हाँ। पापा। बोल दो हाँ। इतनी छोटी है वो बढ़ गई। अरे बोल दो हाँ। नहीं नहीं बोलो। हाँ बोलो। अब नहीं, नहीं कहाँ से हो पाएंगे इतने। अरे करेंगे ना, अभी कटवाना नहीं है, छह महीने हाथ में लगाऊंगा अभी। देखो छह महीना पापा कितने लंबे हो जाएंगे बताओ। ए चुप कर। अभी बढ़ाऊंगा ना मैं, फिर वो प्रॉपर यहाँ से ये देखो अभी इतनी आने लगी है, ये देखो अभी और आएगी बड़ी। कह रहा है मैं यहाँ तक, ये मैं कटवा दूंगा। पापा भाई कह रहे मुझे यहाँ तक छोटी करना है, पता नहीं कैसा फैशन कर रहा है। कर ले छोटी यहाँ तक। अरे कर ले, तो आजकल सब करते हैं। बचपन में बहुत बाल पकड़ के मारा करते थे। फिर से पापा पकड़ के ले जाओ। नहीं, वो इतने बड़े नहीं होते थे लेकिन। नहीं पापा बहुत स्ट्रिक्ट वाले पापा थे, प्यार भी करते थे, घुमाते थे, लेकिन गुस्से के वक्त बहुत गुस्सा करते थे, है ना? बताओ। वो तुम काम ही ऐसा करते थे। बोले तुम काम ही ऐसा करते थे। जैसे स्कूल में कभी शिकायत मिलती थी गलती हो गई थी, धोखा हो गया था, लेकिन भाई के टीचर ने बोला था कि ये बहुत लड़ाई कर रहा था। ये देखो बोर में एक बार हुआ था, पर आपने आके पापा कितनी जोर से गाल पे लगाया था। नहीं कहीं पे हुआ था, कहीं कुछ किसी दोस्त के बीच में बोल के लड़ाई कर ली थी। फिर आपने क्या किया था घर आके? मारा था। पापा ने कुछ नहीं किया था, पापा बस आए, मैं बैठा हुआ था सोफे, पापा आए 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 और मैं ऐसे देख रहा हूँ कि पापा आ गए, पापा ने दिया सड़क से मिला के, वो ऐसे देखते रहिए पापा को। मुझे सब रियलाइज हो गया, अच्छा आंसू बहने लगे, सब रियलाइज हो गया, अच्छा स्कूल से आए, ओके कमर मिली होगी। 11th या 12th क्लास में भाई, 11th में भाई को डांट पड़ती थी और मैं चुपचाप बैग लेके अंदर पढ़ाई करने बैठ जाती थी। मुझ पे भी ना यार, घर में ऐसा होता है, बड़े को डांट पड़े छोटा अपने आप चुप कर दुबक के निकल लेता है। अब फिर वही बात, बाल कटाने चाहिए ना। अरे छह महीने बाद कटा लूंगा, ठीक है प्रॉमिस। चलो छह महीने बाद, ठीक है पापा, बस चुप चुप डन डन डन। छह महीने बड़े हो जाएंगे लेकिन। हाँ तब बड़े बड़े होंगे तो कटवाने में मजा आएगा ना पापा। तो वापस अपने स्नूकर टेबल पे आ गए हैं। तो गाइस कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया, जैसे मैंने बताया कल सब बहुत ही अपने यू नो छुट्टी वाले मूड में थे, सब लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। ये तो अभी भी देखो छुट्टी वाले मूड में है ऐसे, बट ये सुमड़ी में निकाल लेती है ब्लॉग, मेरा नहीं बन पाता। एनीवेज तो ये था कल का और आज का दोनों दिन का मिला के। आज पूल में बहुत हम लोगों ने मस्ती की और आज मैंने जी भर के सबको बॉल मारी है। बाय द वे वो बॉल हार्ड नहीं थी, बहुत हल्की थी, तो प्लीज़ आप उसको गलत मत सोचिएगा, सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे। एंड बस ये था आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी है वो करिए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, पेरेंट्स को प्यार कीजिए, उनको खुश रखिए और इंस्टाग्राम ट्विटर भी फॉलो कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।